मीनाज वेज किचन में आज के इस वीडियो में बनाएंगे बेसन का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप पिघला हुआ घी, आधा कप शक्कर, आधा कप बेसन, 10 से 15 लच्छे केसर के, 1/4 टी स्पून इलायची पाउडर, 2 टेबल स्पून कटी हुई काजू, 2 टेबल स्पून कटी हुई बादाम और इसके लिए आधा कप दूध भी चाहिए। बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले केसर में 2 टेबल स्पून दूध डालकर उसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। बेसन के हलवे में हमने किसी भी फूड कलर का उपयोग नहीं किया है, उसका अपना नेचुरल कलर ही इतना सुंदर आता है। एक पैन में 1 टीस्पून घी लेंगे, उसमें कटे हुए बादाम, और कटे हुए काजू लेंगे। इन्हें मध्यम आंच पे रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हल्का रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। घी, दूध और बेसन का मेजरमेंट एक ही कप या कटोरी से करेंगे, तीनों चीज़ समान मात्रा में होंगी। एक पैन में घी लेंगे, मध्यम आंच पे रखेंगे। अब इसमें दूध डालेंगे और साथ में बेसन भी डालेंगे। तीनों का वेट अलग अलग होगा पर माप एक ही होना चाहिए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी वो आपको तुरंत मिलेगा। इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो यह नीचे तले पे लगने लगेगा और जल जाएगा। इसे हाई फ्लेम पे कभी रोस्ट ना करें, इसे मीडियम या लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसे चलाते चलाते अब ये थोड़ा थिक हो गया है और ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, पर अभी भी ये पूरी तरह से रोस्ट नहीं हुआ है, इसे हमें और रोस्ट करना है। रोस्ट करते हुए ये घी छोड़ने लगा है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी गोल्डन हो गया है। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे। इसे फिर से वापस चलाएंगे, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। इसे तब तक चलाते रहेंगे। अब इसमें केसर का दूध डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा कप शक्कर डालेंगे। शक्कर जब इसमें घुलती है तो ये वापस पतला हो जाता है। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और वापस थिक होने तक, कढ़ाई छोड़ने तक भुनेंगे। अब इसमें इलायची पाउडर और रोस्ट किए हुए काजू और बादाम डालेंगे। सर्व करते समय गार्निश करने के लिए 1 टेबल स्पून काजू और बादाम को रखेंगे। आप इसे प्रसाद लगाने के लिए और स्वीट डिश के रूप में कभी भी बना सकते हैं। कम समय में बनके तैयार होता है। आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें।